हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लेके आता हूँ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस। तो पिछले लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी थ्योरी, तो इस लेक्चर वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जिसमें परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। तो हमें पहले समझना होगा परम्यूटेशंस क्या होते हैं और कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। तो देखिए, परम्यूटेशंस में हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर कुछ एलिमेंट्स हैं तो उन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हम देखते हैं कितने तरीके से, कितने वेज में वो अरेंजमेंट पॉसिबल है। वहीं जब कॉम्बिनेशन की बात होती है तो कॉम्बिनेशन में जो अरेंजमेंट बने हुए हैं वो कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी फर्स्ट केस में क्या है, सेलेक्शन है, सेलेक्शन बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट्स, तो वो तो हो गया परम्यूटेशन। और जहाँ पे सीधा सीधा क्या होगा, सेलेक्शन होगा, वो हुआ कॉम्बिनेशन। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास सपोज दो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट सपोज ए और बी, तो यहाँ पे जो परम्यूटेशंस होंगे, जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे, वो अरेंजमेंट्स क्या क्या होंगे, एक अरेंजमेंट हो सकता है ए बी और दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है बी ए। लेकिन जब यहाँ पे हम सिलेक्शन की बात करेंगे तो सिलेक्शन क्या हो सकता है, सिर्फ एक पॉसिबल वेज में हो सकता है। वो क्या होगा, हम क्या करेंगे, ए और बी को एक साथ लेंगे, यानी या तो सिलेक्शन ए बी होगा या फिर सिलेक्शन बी ए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो परम्यूटेशन में क्या हो गया, परम्यूटेशन में अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं वो हमें परम्यूटेशन की हेल्प से पता चलेगा, और कॉम्बिनेशन में जो अरेंजमेंट बने हैं वो कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन हुआ। तो इसी तरह से जब हमारे पास सपोज थ्री एलिमेंट्स हैं तो इन थ्री एलिमेंट्स को एक साथ कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो एक साथ कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। देखो, अब जब हम ये बात करेंगे ए बी परम्यूटेशंस ऑफ ए बी सी, तो हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, पहला कॉम्बिनेशन होगा ए बी सी, तो ये पहला कॉम्बिनेशन है और ये पहला परम्यूटेशन भी होगा। लेकिन परम्यूटेशंस क्या होंगे, यहाँ पे बहुत सारे बनेंगे, कॉम्बिनेशन सिर्फ एक बनेगा अगर हम तीन एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या होगा, पहला जो अरेंजमेंट बना वो बना ए बी सी, इसी तरह से सेकंड जो अरेंजमेंट बनेगा वो बनेगा ए सी बी, देन सी सॉरी देन बी ए सी एंड बी सी ए, देन सी ए बी, देन सी बी ए। तो ये हमारे परम्यूटेशंस बन गए, यानी टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट्स जब हम तीन एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो तीन एलिमेंट्स के टोटल अरेंजमेंट तीनों को एक साथ लेने पे कितने अरेंजमेंट्स बने, सिक्स अरेंजमेंट्स बने, तो ये कलेक्टिवली हमारे कहलाए परम्यूटेशंस। लेकिन जब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन सिर्फ क्या बनेगा, एक बनेगा, वो कॉम्बिनेशन या तो क्या होगा ए बी सी होगा या ए सी बी होगा या फिर सी बी ए होगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशंस को हम एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एक एग्जांपल और मैं देना चाहूँगा आपको, सपोज आपने अपने स्मार्टफोन में पिन अप्लाई किया हुआ है अनलॉक करने के लिए या पासवर्ड अप्लाई किया हुआ है, और वो पासवर्ड सपोज फोर डिजिट का है, तो आपने सपोज डिजिट यहाँ पे यूज़ की हैं 1, 2, 3 एंड 4, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कोई भी डिजिट अपने पासवर्ड में रिपीट नहीं किया है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जिससे आपका पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, इन चार डिजिट का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जो मैं उसमें पासवर्ड फील्ड में डालूं तो जिससे आपका स्मार्टफोन क्या हो जाए, अनलॉक हो जाए। तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। लेकिन जब हम इनको अरेंज करेंगे फोर के ग्रुप में, जब इन्हें अरेंज किया जाएगा इन चार डिजिट्स को, तो हमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे परम्यूटेशंस मिलेंगे, बहुत सारे अरेंजमेंट्स मिलेंगे। तो वो अरेंजमेंट्स क्या क्या होते हैं वो हम बना लेते हैं। देखिए, जो पहला अरेंजमेंट होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, बहुत बेसिक अरेंजमेंट है, एक साथ हमने ले लिया इनको असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये पहला अरेंजमेंट बना, ये एक क्या है, कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से सेकंड जो अरेंजमेंट होगा वो हो सकता है 1, 2, 4, 3, देन
तो इतने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हमारे पास हैं, तो ये कलेक्टिवली हमारे कहलाए परम्यूटेशंस। तो कितने हैं टोटल, 24 अरेंजमेंट्स हमें यहाँ पे मिले। अब देखिए 24 अरेंजमेंट्स में जब हम 4 डिजिट को एक साथ कंबाइंड करेंगे तो एक कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा। अब वो कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, जैसे ही हम इन सारे कॉम्बिनेशंस को वन बाय वन आपके पासवर्ड फील्ड में अप्लाई करेंगे, तो अगर सपोज आपका पासवर्ड है 2314, तो जब हम 2314 आपके पासवर्ड फील्ड में इंटर करेंगे तो आपका फ़ोन क्या हो जाएगा, उस केस में अनलॉक हो जाएगा। तो ये हो गए टोटल 24 अरेंजमेंट्स, और इस 24 अरेंजमेंट्स में जो कॉम्बिनेशन बना वो क्या बना, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बना 4 आइटम्स का एक साथ अरेंजमेंट। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, और ये कलेक्टिवली कहलाए हमारे परम्यूटेशंस। तो अब इसको हम कैसे, अब इस तरह से ये तो हमारे अरेंजमेंट्स हो गए, हमने कह दिया भाई जब इन्हें काउंट किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हमें पता हो कि हमें इतने आइटम्स में से इतने आइटम्स का ग्रुप बनाना है, तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स होंगे और टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, परम्यूटेशन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NPR। इसे NPR से डिनोट करेंगे, जहाँ पे R होगा नंबर ऑफ ग्रुप्स अरेंज्ड फ्रॉम N, नंबर ऑफ ग्रुप्स अरेंज्ड फ्रॉम एलिमेंट्स N। यानी हमारे पास क्या है, जैसे इस केस में है, इस केस में हमारे 3 एलिमेंट्स हैं A, B, C। तो 3 एलिमेंट्स का हमने क्या करना है, एक एक ग्रुप बनाना है। तो कितने ग्रुप बने, टोटल 6 ग्रुप बने। इसी तरह से जब इसको हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, जहाँ पे फैक्टोरियल का मीनिंग आपको पता है। अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 × 3 × 2 × 1। तो इस केस में देखें, जब हम 3 एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो n इक्वल टू हमारा 3 है, और r इक्वल टू भी क्या है, यहाँ पे 3 है। हम 3 का ही अरेंजमेंट देख रहे हैं, 3 एलिमेंट्स का 3 के टर्म्स में ही अरेंजमेंट देख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा होगा 3P3। तो इस केस में ये फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो ये 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 − 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। अब आपको पता है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो इस केस में जो अरेंजमेंट्स हमें मिलेंगे वो 3 फैक्टोरियल यानी 3 × 2, दैट इज 6 अरेंजमेंट मिलेंगे। तो देखिए जब हम यहाँ पे अरेंजमेंट काउंट करेंगे तो ये अरेंजमेंट कितने होंगे, टोटल 6 अरेंजमेंट्स होंगे। तो ये तो हो गया अरेंजमेंट्स का फॉर्मूला। तो इस तरह से हम अपनी परम्यूटेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हमारे प्रॉब्लम में हो सकते हैं। इसी तरह से कॉम्बिनेशन का जो रूल है, कॉम्बिनेशन का क्या रूल है वो देखते हैं। अब देखिए जब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पे नोट करते हैं, तो इसे NCR से हम नोट करते हैं। तो NCR का मतलब है सेलेक्शन ऑफ R इंडिविजुअल्स और एलिमेंट्स आउट ऑफ n इंडिविजुअल्स। यानी हमें क्या करना है, r इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप सेलेक्ट करना है। कितने एलिमेंट्स के ग्रुप से सेलेक्ट करना है, n एलिमेंट्स के ग्रुप से सेलेक्ट करना है। तो कितने तरीके हो सकते हैं, कितने वेज यहाँ पे होंगे, तो ये नंबर ऑफ वेज। तो NCR का मीनिंग हो गया, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, तो NCR का मीनिंग हुआ नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग r एलिमेंट्स आउट ऑफ n एलिमेंट्स। तो इसको जब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अब इसे भी समझते हैं। अब देखिए वही एक एग्जांपल, पहला वाला एग्जांपल, जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी। जब हमने इन तीनों को एक साथ कंसिडर किया था, यानी एन की वैल्यू भी 3 थी और आर की वैल्यू भी क्या थी, 3 थी, तो उस केस में जो परम्यूटेशंस बने वो कितने बने, हमारे 6 परम्यूटेशंस बने। और कॉम्बिनेशंस कितने बने, कॉम्बिनेशन हमारा सिर्फ एक बना। अब इस केस में जब हम 2 का ग्रुप बनाएंगे, तो 2 का ग्रुप जब बनाएंगे तो क्या क्या परम्यूटेशंस होंगे, पहला परम्यूटेशन होगा ए बी, दूसरा होगा बी ए, देन ए सी, देन सी ए, देन बी सी, देन सी बी। तो ये परम्यूटेशंस हमें
यहाँ पे मिले हैं। देखिए कैसे हमने कैलकुलेट, कितने परम्यूटेशंस मिले, 6 परम्यूटेशन मिले, और यहाँ पे इस केस में n इक्वल टू कितना है, 3 है, और r इक्वल टू 2 है। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे 3 के ग्रुप में से 2 का ग्रुप अरेंज किया है, कितने तरीके से अरेंज हो सकता है। तो जब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये 3p2, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल तो आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, दैट इज़ 1। तो ये वैल्यू आ गई 6। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने बने यहाँ पे, देखिए 6 अरेंजमेंट बने। इसी तरह से जब हम कॉम्बिनेशंस निकालेंगे तो कॉम्बिनेशंस के लिए भी हमारे पास n कितना है, 3 है, r 2 है, तो ये 3c2 हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब 3c2 कैलकुलेट होगा तो 3c2 में देखिए 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, दे 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, 1 वैल्यू हो गई। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। वो कॉम्बिनेशन क्या होंगे, या तो ए बी होगा या बी ए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। जैसा हमने बताया था अभी, जब ए और बी को हम अरेंज करते हैं तो इसके अरेंजमेंट दो तरह से हो सकते हैं, पहला अरेंजमेंट ए बी, दूसरा अरेंजमेंट बी ए। लेकिन जब इसे सेलेक्ट करेंगे, जब इसका सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन सिर्फ क्या है, एक तरीका है सिलेक्शन का, क्या होगा, दोनों एक साथ सेलेक्ट होंगे। अब सेलेक्ट हो गए, सिलेक्शन के बाद जब अरेंजमेंट होगा तो अरेंजमेंट दो तरह से हो सकता है। मैंने बताया ना, परम्यूटेशन मीन्स सेलेक्शन बेस्ड ऑन अरेंजमेंट्स, एंड कॉम्बिनेशन इज जस्ट सेलेक्शन। तो कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ सेलेक्शन की बात करते हैं, परम्यूटेशंस में क्या करेंगे, सेलेक्शन तो करेंगे लेकिन उसके साथ उसे क्या करेंगे, अरेंज भी करेंगे। जैसे इस केस में हो रहा है, ए और बी को हमें सेलेक्ट करना है, तो ए और बी सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होने का सिर्फ एक तरीका है, यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करने का सिर्फ एक तरीका है कि हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अरेंज कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से अरेंज हो सकता है। क्या क्या तरीका है, ए बी और बी ए। तो इसी तरह से जब 3 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, 3 में से हमें 2 की ग्रुपिंग करनी है, तो कितने अरेंजमेंट्स हो गए, इतने अरेंजमेंट्स हो गए, कितने, 6। लेकिन जब सिलेक्शन करना होगा तो सिलेक्शन क्या होगा, सिर्फ 3 तरीके से होगा, या तो हम ए और बी को एक साथ लेंगे, ए और बी को एक साथ लेंगे तो यही 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स बने। तो ये तो हो गया परम्यूटेशन, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या हुआ, सिर्फ एक हुआ कि ए और बी एक साथ सेलेक्ट होंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन होगा, ए और सी एक साथ सेलेक्ट होंगे, और तीसरा कॉम्बिनेशन हुआ, बी और सी एक साथ सेलेक्ट होंगे। तो कॉम्बिनेशन हो गए इस केस में 3, और परम्यूटेशन हो गए इस केस में 6। तो आई होप कि आपको परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, और कैसे इसे हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो देखिए, परम्यूटेशंस जब आपको अरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए होंगे तो वहाँ पे आप NPR ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जब सिलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए होंगे तो वहाँ पे NCR ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी अरेंजमेंट्स और सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। एक बैग में 3 कलर की बॉल्स हमें गिवन है, जिसमें से 3 रेड हैं, 6 वाइट हैं और 7 ब्लू बॉल्स हैं। तो हमसे पूछा गया है कि अगर हम बैग से 2 बॉल निकालें तो वो 2 बॉल वाइट और ब्लू होने का क्या चांस है, यानी एक बॉल क्या होगी, वाइट होगी, एक बॉल ब्लू होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन बनेगा ना कि ब्लू के साथ वाइट कितने तरीके से आ सकती है, या ब्लू के साथ वाइट कितने तरीके से हो सकती है। तो इस केस में देखें, जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इसको थोड़ा ग्राफिकली हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ ये मेरे पास एक बैग है, इसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 6 वाइट बॉल्स हैं और 7 ब्लू बॉल्स हैं। तो जब हम देख रहे हैं तो टोटल बॉल्स हमारी कितनी हैं, टोटल 16 बॉल्स हमारे पास हैं। तो 16 बॉल में से हमने क्या किया, 2 बॉल निकाली हैं। तो अब देखें, सबसे पहले 16 में से 2 बॉल कितने तरीके से निकाली जा सकती है, 16 बॉल में से 2 बॉल्स निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, यानी क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो जब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16C2।
तो ये तो हो गया टोटल पॉसिबल वेज। हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड ब्लू बॉल्स, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया देखिए फेवरेबल, जो प्रोबेबिलिटी का रूल है वो है फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल केसेस। तो देखिए टोटल पॉसिबल केसेस तो 16C2 हो गए, 16 में से दो बॉल हमने निकालनी है। कितने तरीके से निकाली जा सकती है, 16C2 वेज में हम क्या कर सकते हैं, दो बॉल 16 बॉल में से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टोटल पॉसिबल वेज। अब फेवरेबल केसेस क्या होंगे, फेवरेबल केसेस के लिए मैंने बताया था फेवरेबल केसेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप निकालोगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है जो दो बॉल हमने निकाली हैं, ये दो बॉल क्या होनी चाहिए, एक बॉल व्हाइट होनी चाहिए और एक बॉल ब्लू होनी चाहिए। तो अब देखिए जो व्हाइट बॉल होगी ये कितने व्हाइट में से सेलेक्ट होगी, ये 6 व्हाइट बॉल में से सेलेक्ट होगी। और जो एक बॉल ब्लू है ये कितने में से सेलेक्ट होगी, ये 7 बॉल्स में से सेलेक्ट होगी। तो जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा व्हाइट बॉल का वो बनेगा 1 आउट ऑफ 6, 1 व्हाइट बॉल सेलेक्टेड फ्रॉम 6 व्हाइट बॉल्स। तो व्हाइट बॉल का कॉम्बिनेशन 6C1 वेज में हो सकता है। इसी तरह से ब्लू बॉल्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो 7C1 वेज में होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको मैं इंडिविजुअली सॉल्व करता हूँ। 16C2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस 2, दैट इज 14 फैक्टोरियल। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, देखिए फॉर्मूला क्या था, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो n की जगह पे 16 है, r की जगह पे 2 है। तो ये हो गया 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 फैक्टोरियल 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल। हमने इसे 14 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड किया, क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 14 फैक्टोरियल है तो हम इसे यहीं तक एक्सपेंड करेंगे। अब नीचे हमारा देखें 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और 14 फैक्टोरियल को मैंने ऐसे ही रखा, तो ये 14 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल आउट हो गया। और देखें 2 से 8 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 120। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 120। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 6C1 और 7C1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6C1 की वैल्यू क्या होगी, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ पे ये भी आप ध्यान देना 6C1 की वैल्यू 6 है, तो ये जनरल रूल है, NC1 अगर आपके पास है तो NC1 की वैल्यू होती है N, N कुछ भी हो अभी यहाँ पे, चाहे N आपका 6 है तो 6C1 की वैल्यू 6, अगर N 7 है तो ये 7C1 इज इक्वल टू 7, तो 7C1 की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। तो 6C1 की वैल्यू 6 और 7C1 की वैल्यू 7। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 20 टाइम्स यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी वो मिलेगी 7 डिवाइडेड बाय 20। तो ये चांस हो गया 7 डिवाइडेड बाय 20, जब हम 16 बॉल में से दो बॉल निकालें और दो बॉल में एक बॉल वाइट हो एक बॉल ब्लू हो, तो इसका चांस कितना हुआ, 7 डिवाइडेड बाय 20। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन का यूज करके अपनी प्रोबाबिलिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन इस तरह का है हमारे पास, ए बैग कंटेन्स 10 व्हाइट 6 रेड 4 ब्लैक एंड 7 ब्लू बॉल्स, 5 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ देम आर रेड एंड 1 ब्लैक। तो इसको भी हम कॉम्बिनेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, फिर से हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में देखिए 10 व्हाइट बॉल्स हैं हमारे पास, तो 10 व्हाइट 6 रेड 4 ब्लैक,
फोर ब्लैक बी से हमने डिनोट किया एंड सेवन ब्लू, सेवन ब्लू को मैं बी एल से डिनोट कर लेता हूँ इस तरह से। तो देखिए टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हैं, टोटल बॉल्स 27 बॉल्स हैं। अब इसमें से हमने क्या किया है, पांच बॉल को रैंडमली सेलेक्ट किया है, तो पांच बॉल हमने रैंडमली यहाँ से सेलेक्ट की। तो देखिए पांच बॉल में से क्या प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू ऑफ देम आर रेड, यानी इन फाइव बॉल में से क्या होना चाहिए, दो बॉल रेड होनी चाहिए और एक बॉल ब्लैक होनी चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी यहाँ पे, सबसे पहले हम पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, टोटल पॉसिबिलिटीज हमने निकाली, फिर इसके फेवर में हम पॉसिबिलिटीज निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो जो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे निकलेंगी वो कॉम्बिनेशन की हेल्प से निकलेंगी। तो कैसे निकलेंगी, देखिए फर्स्ट केस में जो टोटल पॉसिबल वेज होंगे, टोटल पॉसिबल वेज तो हमारे पास हो गए 27C5, टोटल पॉसिबल वेज कितने हो गए 27C5। हमने क्या किया, 27 बॉल में से पांच बॉल निकाले हैं, तो 27 में से पांच बॉल निकालने का जो वेज होंगे, कितने वेज होंगे टोटल 27C5 वेज होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में हमसे कहा गया फाइव बॉल में से दो रेड होने चाहिए, एक ब्लैक होना चाहिए। अब देखिए जो दो रेड हमने निकाले हैं वो दो रेड कहाँ से निकलेंगे, सिक्स रेड बॉल में से निकलेंगे, और जो वन ब्लैक निकाला है वो कहाँ से निकलेगा, फोर ब्लैक में से निकलेगा। अब बची बाकी की तीन बॉल, वो तीन बॉल कहाँ से निकलेंगी, तो वो तीन बॉल कहाँ से निकलेंगी, वो तीन बॉल ये 10 वाइट और 7 ब्लू बॉल में से निकलेंगी, यानी 17 बॉल में से निकलेंगी। तो देखिए क्या कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे, जो पहला कॉम्बिनेशन होगा रेड बॉल्स का वो होगा 6C2, इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा 4C1, यानी जो वन ब्लैक बॉल निकली वो कहाँ से निकली, फोर में से निकली। अब बची कितनी, दो बॉल अब बची कितनी, यहाँ पे दो बॉल बचेंगी। देखिए तीन बॉल हम निकाल चुके हैं, 5-3 दैट इज 2, यानी जो दो बॉल हमारी बची हैं वो कहाँ से निकलनी है, 10+7 दैट मीन्स 17 बॉल में से। तो ये हो गया 17C2। तो ये हो गए हमारे फेवरेबल केसेस, इसे हम M कह सकते हैं, और ये हमारा क्या है, N है। तो M क्या हो गया, 6C2 दैट मीन्स 2 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 रेड बॉल, 1 ब्लैक बॉल आउट ऑफ 4 ब्लैक बॉल एंड 2 रिमेनिंग 2 बॉल्स फ्रॉम रिमेनिंग 17 बॉल्स। तो ये हमारा M हो गया, ये N हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E ये हमने डिफाइन किया था M डिवाइडेड बाय N, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6C2 4C1 17C2 डिवाइडेड बाय 27C5। आप चाहो तो आंसर को ऐसे ही छोड़ सकते हो, तो ये भी आपका आंसर माना जाएगा। थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशंस हो गई है, तो हम आंसर को इस तरह से भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन की हेल्प से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम अगले वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो यहाँ पर जो भी हम अपलोड करते हैं वो छूटे ना। थैंक यू।